बताते चलें कि 7,000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के लिए नए असातिज़ा भर्ती करने का फैसला। मौजूदा तालीमी साल के लिए असातिज़ा से नया एग्रीमेंट किया जाएगा। इंसाफ स्कूलों के लिए पहले से भर्ती स्टाफ वैसे ही काम जारी रखेगा। इन भर्तियों के बारे में तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज। जी, सुबह भर के 7,000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के लिए नए असातिज़ा भर्ती करने का फैसला किया है। मौजूदा तालीमी साल में के लिए असातिज़ा से नया एग्रीमेंट किया जाएगा। इंसाफ स्कूलों के लिए पहले से भर्ती स्टाफ वैसे ही काम जारी रखेगा। असातिज़ा स्टाफ को भी रवां साल नया एग्रीमेंट लेटर जारी किया जाएगा। असातिज़ा को नया एग्रीमेंट लेटर स्कूल का सरबरा जारी करेगा। अगर कोई टीचर इंसाफ स्कूल में काम नहीं करना चाहता तो उसकी जगह नई भर्ती की जा सकेगी। नई भर्ती के लिए स्कूल हेड को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से मंजूरी लेना होगी और सबका टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ को जबरदस्ती इंसाफ स्कूलों में काम करने से नहीं रोका जा सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज अपडेट करने के लिए। तालीमी साल के लिए असातिज़ा से नया एग्रीमेंट किया जाएगा। इंसाफ स्कूलों के लिए पहले से भर्ती स्टाफ वैसे ही काम जारी रखेगा। इन भर्तियों के बारे में तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज। जी, सुबह भर के 7,000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के लिए नए असातिज़ा भर्ती करने का फैसला किया है। मौजूदा तालीमी साल में के लिए असातिज़ा से नया एग्रीमेंट किया जाएगा। इंसाफ स्कूलों के लिए पहले से भर्ती स्टाफ वैसे ही काम जारी रखेगा। असातिज़ा स्टाफ को भी रवां साल नया एग्रीमेंट लेटर जारी किया जाएगा। असातिज़ा को नया एग्रीमेंट लेटर स्कूल का सरबरा जारी करेगा। अगर कोई टीचर इंसाफ स्कूल में काम नहीं करना चाहता तो उसकी जगह नई भर्ती की जा सकेगी। नई भर्ती के लिए स्कूल हेड को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से मंजूरी लेना होगी और सबका टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ को जबरदस्ती इंसाफ स्कूलों में काम करने से नहीं रोका जा सकेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज अपडेट करने के लिए।